राजीव पर बरसा रोहित का गुस्सा। रुबीना जन्नत ने किया कमाल। पर आखिरकार क्या कुछ हुआ खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में चल रहा है टीम भी, जहां टीम्स बच चुकी है मोहित और तुषार की टीम में। लेकिन इस बार स्टंट करने से पहले ही आपस में ही टीम्स एक दूसरे से टकराते हुए आए नजर। मैं जहां पर सबसे पहले तुषार से भिड़ती हुई नजर आई रुबीना दिलैक, वही उसके बाद ही मोहित से हुई रुबीना की अनबन, जहां पर मोहित ने कर दिया था रुबीना पर ये क्लेम कि वो दिखना चाहती है इसलिए वो स्टंट को करना चाहती है। बल ये स्टंट था क्रीपी क्रॉलीज का ही, जहां पर एक बॉक्स के अंदर क्रीपी क्रॉलीज के बीच ही इन्हें कर दिया गया था लॉक। वह जहां पर एक एंड से जन्नत चाबी इकट्ठा कर लेकर आएंगे रुबीना के पास, लेकिन बिना हाथ का इस्तेमाल किए अब से मुंह से ही करना होगा इन्हें ट्रांसफर। वह स्टंट को बखूबी निभाते हुए नजर आए रुबीना और जन्नत। वह स्टंट के बीच में ही सभी को काफी हंसाते हुए भी नजर आई रुबीना। वहीं दूसरी बारी थी तुषार की टीम की, जहां तुषार की टीम को रिप्रेजेंट करने पहुंचे थे राजीव और श्रुति, लेकिन राजीव ने स्टंट को करने से कर दिया इनकार और दे दी ये वजह कि शायद वो उस बॉक्स में फिट नहीं आएंगे। पर जिसके बाद ही एक बार फिर से रोहित शेट्टी का बरसता नजर आया गुस्सा। वह राजीव ने स्टंट को कर दिया अबॉर्ड। रोहित ने साफ साफ ये उन्हें बात कह दी कि वो इस बॉक्स में काफी अच्छी तरह से फिट भी हो सकते थे और इस स्टंट को अच्छी तरह से कर भी सकते थे, लेकिन उनके क्रीपी क्रॉलीज के डर की वजह से उन्होंने स्टंट को कर दिया अबॉर्ड। पर स्टंट को अबॉर्ड करने के बाद ही रुबीना और जन्नत ने मार ली बाजी और हासिल कर लिया अपने टीम के लिए 10 पॉइंट। मैं जहाँ पर अब मुकाबला हो चुका है कड़ी टक्कर का, जहाँ दोनों भी टीम 30-30 पॉइंट को लेकर पहुंच चुकी है एलिमिनेशन स्टंट में। मतलब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन करेगा एलिमिनेशन स्टंट। मतलब आपको कैसे लगी इनकी ये परफॉर्मेंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।